भारतीय किसान यूनियन के धरने में एक बड़ी विशेषता यही रहती है कि लंगर हो, पानी की सेवा हो, ये सुचारू रूप से, क्योंकि गर्मी का समय है और इस वक्त में पानी की जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा। मैंने पहले बताया कि सिख कम्युनिटी ऐसी है कि ये लोग जो है किसी को भूखा प्यासा रहने नहीं देते। मेरे धर्म में विशेष चीज़ ये ज़रूर देखी है कि चाहे गुरुद्वारा की तरफ से हो या पर्सनल के अपने निजी कोष से हो, ये लोग धरने में पानी, जल की और अन्न की सेवा सुचारू रूप से चलाते रहे। आप देख पा रहे हैं सिख युवा किस तरीके से जल सेवा, यानी जितने लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं उनके लिए उन्होंने लगा रखी। इस प्रदर्शन में एक बहुत ही सुखद तस्वीर ये है कि ये सिख कम्युनिटी का लंगर है और आप देख पा रहे हैं कि ये गुरुद्वारा की तरफ से इंतज़ाम किया जाता है। ये लोग ये नहीं देखते कि कौन खा रहा है, लेकिन इस धर्म की एक बड़ी खास बात है सिखी की कि ये लोग भूखे को रोटी खिला के बहुत खुश होते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ये धरना प्रदर्शन यहाँ शुरू हुआ था तो इन लोगों ने लंगर की गाड़ियाँ साथ ही लगा दी थी और लंगर में लोगों ने 2-3 बार खा लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग गाड़ियाँ यहाँ पे भर भर के लेके आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको जीटी रोड से दिखा रहा हूँ, यानी इस बड़े प्रदर्शन के अंदर सिखी की सेवा जो एक बहुत ही बड़ा एक धर्म, एक बड़ा कर्म है जो यहाँ पे ये लोग मुकने नहीं देते हैं। और इसकी सीधी में तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि लोग आवाज़ लगा के इनको, ये नहीं कि खाने वाला कौन है, लेकिन इनका एक मकसद यही रहता है कि भूखे को खाना ज़रूर खिलाया जाए। और इस धर्म की ये विशेष ये बात रहती है। मैंने पहले बताया कि सिख कौम में एक बहुत बड़ी खूबी यही है कि जहाँ पे भी कोई आपदा हो ये लोग अपनी लंगर की गाड़ी लेके सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन कितने दिन चलेगा, कितनी देर चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इनके यहाँ खाने पाने की कोई कमी नहीं होती।